हाई एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल. यह है एपिसोड नंबर 7 ऑफ एबल्टन लाइव बिगिनर्स टू एडवांस लेवल म्यूजिक प्रोडक्शन. नाउ आई थिंक इकलौता चैनल है इंडिया में जो कि आपको एबल्टन लाइव के साथ म्यूजिक प्रोडक्शन बिल्कुल फ्री में बता रहा है. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इस एपिसोड से पहले मैंने 6 एपिसोड्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उन लिंक्स को भी या जो वीडियोस इससे पहले आए हैं उनको भी आप एक बार देख लें ताकि आप इस सीरीज़ में मेरे साथ एकदम सिंक में रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वार्प फंक्शन के बारे में. नाउ व्हाट इज़ वार्प, इसको कैसे यूज़ करना है, वो सब हम डिटेल में जाएंगे. पर अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि आपका म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो 10-20% जो है वो इम्प्रूव होगा. तो चलिए करते हैं शुरू. Now warp, WARP. कुछ लोगों के लिए ये वर्ड बिल्कुल नया हो सकता है, कुछ लोगों ने इसको पहली बार भी सुना हो, और कुछ फॉलोअर्स मेरे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इसके बारे में ऑलरेडी पता हो. तो दोनों तरह के ऑडियंस है, पर मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स है और आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आनी चाहिए उसमें से ये एक है. नाउ ये फंक्शन काम कैसे करता है, देखिए आप लोगों ने मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सर अगर हम एक सॉन्ग का रिमिक्स करना चाहते हैं तो उसकी BPM कैसे मैच करें अपने बीट के साथ. नाउ ये सबसे डिफिकल्ट टास्क हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो एज ए बिगिनर अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं. नाउ FL स्टूडियो के अंदर आई थिंक कुछ स्ट्रेचिंग टाइप का फंक्शन होता है, आई एम नॉट रियली श्योर क्योंकि मैं FL स्टूडियो में काम नहीं करता, पर जो लोग Ableton यूज करते हैं उनके लिए काम बहुत ही आसान है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स, आपको कुछ क्लिक्स करने हैं देन ऑटोमेटिकली आपका BPM मैच हो जाएगा. नाउ सबसे पहले समझते हैं कि वार्प फंक्शन होता क्या है. देखिए किसी आर्टिस्ट ने अपना वोकल रिकॉर्ड किया लेट्स से 100 BPM के ऊपर, ठीक है, अब उसने वो अपलोड कर दिया इंटरनेट के ऊपर, अब आपने उसे डाउनलोड किया और आप उससे रिमिक्स बनाना चाहते हैं उसका. नाउ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि उसका जो BPM है उसको अपने बीट के BPM से कैसे मैच करना है. तो इस चीज़ को हम करेंगे वार्प फंक्शन के थ्रू. इसके अलावा भी वार्प के कुछ यूजेस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है. सबसे पहले हम जाएंगे अपने ऑप्शंस में Ableton Live के प्रेफरेंसेस में जाएंगे यहाँ से, और आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है रिकॉर्ड वार्प लॉन्च. यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप सेकंड सेक्शन में, पहला सेक्शन है रिकॉर्ड सेक्शन, सेकंड सेक्शन है वार्प फेड्स. यहाँ पर आपका ऑटो वार्प लॉन्ग सैंपल्स ये ऑन होना चाहिए. बाई डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है, पर अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया था कभी बाई मिस्टेक तो ये मेक श्योर करें कि ऑन होना चाहिए. और नीचे है इसका एल्गोरिदम. आई हाईली रिकमेंड कि आप कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम रखें. रीपिच, टेक्सचर, टोन्स, बीट्स वाले जो एल्गोरिदम्स हैं वो थोड़ा सा ग्लिची इफेक्ट लाते हैं अगर आप हिप हॉप बीट में काम कर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स इज द स्मूथेस्ट एल्गोरिदम जो कि आपको हमेशा रखना चाहिए मेरे हिसाब से. तो हमने ये कर दिया, फंक्शन ऑन है, इसको मैं करूँगा कैंसिल यहाँ से. नाउ लेट्स से कि जो मेरा डॉ है इसका BPM 120 है. नॉर्मली जब आप कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो 120-120 का जो BPM है वो बाय डिफॉल्ट आता है, पर लेट्स से कि जो मैं इसमें सैंपल ड्रैग करूंगा उसका BPM कुछ और है, तो ये BPM अपने आप मैच कैसे हो. तो जैसे ही आपने इस फंक्शन को ऑन किया अब आपको कुछ नहीं करना, आप कोई भी सैंपल, मैं यहाँ पर अपने जो एग्जिस्टिंग सैंपल्स है उससे आपको कुछ क्रिएट करके दिखाऊंगा यहाँ पर. सो लेट्स ब्राउज इन सम ऑफ द सैंपल्स. ठीक है, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने टाइमलाइन के ऊपर, और क्योंकि ये ऑडियो है, वेव फाइल है, तो मैं इसको ऑडियो ट्रैक के ऊपर लेके जाऊंगा ना कि मीडी के ऊपर. अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया. अब आप देखिए कि इसका जो BPM है 122 इस सैंपल के ऊपर भी लिखा हुआ है, और अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी इसका जो BPM है वो 122 है. अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे जो डाओ का जो BPM है वो ऑटोमेटिकली 122 हो गया. देखिए यहाँ पर ये पहले 120 था, 122 हो गया. तो जैसे ही वो फंक्शन में हमने ऑन करके रखा अब सारा काम Ableton ने खुद कर लिया. इसका जो BPM है वो 122 अपने आप मैच हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा. अब देखिए मैं अगर अपना मेट्रोनोम ऑन करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ तो ये बिल्कुल सिंक में आना चाहिए. जो कि आ रहा है, ठीक है, तो आई थिंक 50% काम हमारा हो गया. नाउ अब लेट्स से कि मुझे इसके ऊपर कोई बीट जो है वो फिट करनी है, ठीक है, 122 का BPM सब हो चुका है अभी तक. अब आप बीट मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं या कोई लूप भी यूज़ कर सकते हैं. मैं इस वीडियो के लिए यहाँ पर कोई लूप यूज़ करूँगा ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकें.
चलो ये वाला लूप हम यूज करते हैं, इसका जो BPM है 120 यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर जैसे ही करूंगा ये 122 हो जाएगा। कैसे पता लगेगा, हम जाएंगे इसमें और यहाँ पर देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसको वार्प कर दिया है, तो जब आप इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो ये सिंक में आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखिए कि मेरा आई थिंक सारा काम जो है वो कुछ सेकंड्स में ही हो गया, जो कि मैं किसी दूसरे डॉ के अंदर मैनुअली इसको करता काफी लंबे टाइम में। अब मैं अपने मेट्रोनोम को ऑफ कर दूंगा क्योंकि मेरा जो BPM मैच वाला काम था वो हो गया। वार्प का एक और भी काम है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लोगों को नहीं पता होता, चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ कि उसका क्या काम होता है वार्प का। अभी मेरा यहाँ पर वार्प ऑन है, ठीक है, तो अगर मैं इसको पिच अप करता हूँ, जिस ये मेरा ट्रांसपोज का ऑप्शन है यहाँ पर, इससे मैं इसकी पिच को अप एंड डाउन करूंगा, तो मैं इसको अगर एक पिच अप कर दूं, अब देखिए इसकी जो की है वो चेंज हो गई है ऑलरेडी क्योंकि मैं 9 सेमीटोन्स अप चला गया हूं। पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरे सैंपल की जो लेंथ है या उसका जो टेम्पो है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम टेम्पो पर है अभी भी। पर अगर ये फंक्शन ऑफ होता तो देखिए ये कैसे काम करता। अगर मैं इसको जीरो कर दूं दोबारा से और वार्प फंक्शन लेट से कि ऑफ होता, अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखिए क्या होगा, ये एकदम सही BPM पर चल तो रहा है, पर अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती चली जाएगी। दैट मींस कि ये जो सैंपल है इसका BPM ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं पिच डाउन करूंगा तो इसका जो लेंथ है वो लंबा हो जाएगा और BPM स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वार फंक्शन का काम ये है कि जब आप उसको ट्रांसपोज भी करें सैंपल को, उसकी जो स्केल है वो चेंज भी करें, तो भी उसका जो BPM है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे काम करेगा, ये फंक्शन हमेशा ऑन रहना चाहिए, प्लस आपका जो एल्गोरिदम है वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स प्रो हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वार्प का, जो कि आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था इस वीडियो में। सो आई थिंक मैंने जो चीज़ें इस वीडियो में कवर करनी थी वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप अपने सॉन्ग को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप अपने एकापेला के अंदर क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, उसका रिमिक्स कितना बेटर बनाते हैं। पर जो मेन था कि BPM कैसे मैच करें, वो आई थिंक प्रॉब्लम अब आपकी नहीं रहेगी अब से। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।